हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपसे तीन फ्रूट जुगड़ की इजी रेसिपीज शेयर कर रही हूँ। होपफुली आप इन हेल्दी रेसिपीज़ को लाइक करेंगे। चलिए अब इसको बनाते हैं। फर्स्ट रेसिपी में हमें ये सब चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले एक खाने का चम्मच या सीड को तीन खाने के चम्मच पानी में भिगोकर 20 मिनट के लिए रखते हैं आप। उसके बाद 5 से 6 रसबेरीज को मैश करके 100 ग्राम दही में मिक्स कर लें। उसके बाद तकरीबन 2 खाने के चम्मच बारीक कटा हुआ मैंगो को मैश कर लें और 100 ग्राम दही में ऐड कर लें। चलिए अब इसकी असेंबलिंग करते हैं। एक छोटे ग्लास में सबसे पहले रसबेरी योगर्ट ऐड करें। उसके बाद चिया सीड्स जो पानी में भिगोकर रखे थे वो ऐड करें और फिर मैंगो योगर्ट ऐड कर दें। अब एंड में रेस्पेरीज, काजू, मिंट और हनी से डेकोर करें। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। चलिए अब दूसरी रेसिपी म्यूसली योगर्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको 200 ग्राम दही चाहिए। अब आप इसमें तकरीबन 4 स्ट्रॉबेरीज को बारीक कट करके ऐड करें। उसके बाद एक छोटे आड़ू को स्मॉल पीसेस में कट करके वो भी डाल दें। इस तरह कीवी आधा आप ले लें, उसको कट कर लें, वो भी दही में ऐड कर लें और अब इन सब फ्रूट्स को दही में मिक्स कर लें। चलिए अब इसकी भी असेंबलिंग करते हैं। एक ग्लास या जार में सबसे पहले फ्रूट दही को डालें, फिर उसके ऊपर 2 खाने के चम्मच म्यूसली ऐड करें। उसके बाद आधा खाने का चम्मच चिया सीड स्प्रिंकल कर लें, फिर दोबारा फ्रूट दही डालें, एंड में कीवी, स्ट्रॉबेरीज, चिया सीड्स और बादाम से डेकोर करें। आई होप आपको सेकेंड रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। चलें अब तीसरी इजी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये सब चीज़ें आपको चाहिए होंगी। सबसे पहले 100 ग्राम दही में 1 खाने का चम्मच चिया सीड आप डालें और उसको 15 से 20 मिनट के लिए रख दें। अब 100 ग्राम दही में तकरीबन 2 खाने के चम्मच ब्लूबेरीज डालें और उसको ग्राइंड कर लें। चलें अब इसकी भी असेंबलिंग करते हैं। एक ग्लास या जार में ब्लूबेरी वाली दही को डालें, उसके ऊपर तकरीबन 2 खाने के चम्मच स्मॉल पीसेज में कटे हुए सेब डालें। उसके साथ ही 2 खाने के चम्मच पाइनएप्पल के पीसेज भी डालें। उसके ऊपर 1 खाने का चम्मच अनार भी आप ऐड कर दें। एंड में उसके ऊपर चिया सीड वाली दही डाल दें। अब इसको अनार, ब्लूबेरीज और पिस्ते से सजाएं और इंजॉय करें। होपफुली आपको ये 3 विटामिन से भरपूर इजी और हेल्दी रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी। आप इसको ब्रेकफास्ट, एज ए स्नैक्स या एज ए डिज़र्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको आज की कलरफुल हेल्दी रेसिपीज़ अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लगे हुए बेल के आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बाय बाय, टिल नेक्स्ट रेसिपी, स्टे हेल्दी।